बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की रहमत से करम से आप सब खैर वाफिया से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा होश और आबाद रखें। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, और कुछ ऐसे पकवान खाने को दिल करता है कि जो जल्दी बन भी जाएँ और बहुत टेस्टफुल भी हों, तो उस हवाले से एक रेसिपी आपसे शेयर करूँगी। वो है सूजी के स्वीट्स। सूजी के पूरे भी इसको कहते हैं। हमारी जो नानियाँ दादियाँ हैं, जब बरसात का मौसम आता था, जैसा कि आजकल शुरू हो चुका हुआ है, तो इस तरह के जो एनर्जेटिक और हेल्दी फूड बनाकर खिलाया करती थी, जो खाने में बहुत लुत्फ़ देती हैं। बच्चे भी ज़िद नहीं करते कि हमने नहीं खानी है, क्योंकि मज़ेदार इतनी होती है, बच्चे भी इसको शौक से खा लेते हैं। इस तरह तो उनकी हेल्दी डाइट भी पूरी हो जाती है और ये बन भी बहुत जल्दी जाती है। बच्चों की, बड़ों की, सबकी बड़ी मनपसंद ये मिठाई है सूजी की स्वीट्स। और ये कैसे बनती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भैया, इसके बनाने का तरीका तो बहुत ही आसान है। एक चूल्हे पे हम रख लेते हैं पैन, और उसके अंदर एक कप पानी डाल देते हैं, और साथ ही इसके अंदर एक कप शुगर ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। इसके कलर के लिए हम थोड़ा सा चुटकी भर फूड कलर ऐड कर रहे हैं, अच्छा सा कलर आ जाएगा। फिर जब तक ये पककर तैयार होता है हमारा शुगर सिरप, उस वक्त तक हम अपनी सूजी की डो रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, एक दूसरे पैन में एक टेबलस्पून मैंने ले लिया देसी घी, इसके अंदर ऐड कर देते हैं, इसको मेल्ट होने देते हैं। ये व्यूअर्स, घी जो हमने डाला था वो मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर एक हाफ कप ऐड कर देते हैं सूजी, और इसको हल्का सा भून लेते हैं। बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा हम भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि इसकी जो खुशबू है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाए। दो से तीन मिनट तक भून लेते हैं इसको। जैसे इसकी खुशबू रिलीज होगी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। तो व्यूअर्स, दो से तीन मिनट गुजर चुके हैं, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई कर लिया है जैसे घी के अंदर, और अब अच्छी सी खुशबू रिलीज होना शुरू हो गई है। अब यहाँ पे मैं 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल रही हूँ, 3 से 4 इलायचियाँ लें और उसको आप पीस लें, उसके बीज निकाल के पीस लें तो इलायची पाउडर बन जाएगा। अब इसके अंदर ऐड कर देते हैं, और साथ ही इसके अंदर एक कप मिल्क ऐड करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको हम स्पून की मदद से हिला लेते हैं। और ये चंद ही मिनट में इंशाल्लाह ये जो सारी सूजी है ये फूलना शुरू हो जाएगी, और दूध जो है वो फ़ौरन अपने अंदर डिजोल्व कर लेगी। और इसको हमने अच्छा सा एक मिक्स करके और डो रेडी करेंगे इसका। जब तक मिल्क ड्राई होता है उस वक्त तक हम इसका स्पून हिलाते रहेंगे, और ये चंद मिनटों में इंशाल्लाह ये इसकी, ये देखें फ़ौरन ये फूलना शुरू हो गई है। तो ये जैसे ही एक डो की शक्ल आती है, 2-3 मिनट तक हम इसको स्पून स्टर करते रहते हैं और ऐसे इसका मिल्क डिजोल्व कर लेते हैं। फिर से देखें, ये बिल्कुल डो की शक्ल तैयार कर गई है। अब इसको हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस यहाँ पे हम इसको उतार लेते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इतना ठंडा होने देंगे कि ये हमारे हाथों को ज़्यादा गर्म महसूस ना हो। ठीक है, बस चीनी डिजोल्व हो चुकी है। अब हमने इसको इतना पकाना है कि जिससे अगर हम अपने दो फिंगर की मदद से इसको टच करें तो ये चिपचिपाहट का शिकार हो हमारे हाथ, यानी चिपकना शुरू हो जाए हाथ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून। इसकी जगह पे आप अड़के गुलाब भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एसेंस पसंद नहीं है तो आप एसेंस को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा हम पकाते हैं। अगर ये सूजी हमारी इतनी ठंडी हो चुकी है कि हम इसको टच कर सकें, तो इसके अंदर मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर, बिल्कुल बाजारी टेक्सचर देने के लिए। जैसे बाजार जैसे इसके आता है फ्लेवर, वैसे ही ये फ्लेवर आएगा। और ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हो गया, अब इसको मैं थोड़ी सी नीट कर लेके इसी प्रॉपर सी डो बना लेती हूँ। ठीक है, इस तरह थोड़ा मसल मसल के, और बिल्कुल ठंडा भी नहीं आपने होने देना, वरना ये आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना हो के आप इसके हाथ, इसकी जो हिद्दत है वो बर्दाश्त कर सकें। ये शुगर सिरप भी हमारा रेडी है। ये देखें, ये ऐसे चिपचिपा रहा है हाथों पे, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। इसको आपने चेक करना है, और ये देखें मैं चेक करके आपको बताती हूँ। अगर आपको ये महसूस हो गया थोड़ी चिपचिपा रहा है आपका हाथ ऐसे, तो फिर आपने इसको फ्लेम से उतार लेना। ठीक है, अब हम ये फ्लेम बंद कर देते हैं, ये भी रेडी है, और अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो लीजिए व्यूअर्स, हमने इसको अच्छा सा नीट करके और एक अच्छी सी फाइन डो रेडी कर ली है। और मैंने पैन के अंदर इसलिए किया कि पैन में कुछ देर तक गर्मी होती है और ये हमारी डो ठंडी ना हो जाए, इस वजह से हमने इसको पैन के अंदर ही सेट कर लिया है। और अब इसको कवर करके रख देते हैं, और अब इसकी शेप्स भी रेडी करेंगे। थोड़ा सा हमें जितनी शेप हमने बनानी है बड़ी या छोटी छोटी, उतना हम पेड़ा बना लेते हैं, बॉल बना लेते हैं, और बाकी इसको कवर करके रख देते हैं। और अब शेप आप अपनी पसंद की बना सकते हैं। अगर आप
बनाना चाहते हैं राउंड शेप, राउंड शेप बना लें। अगर आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं, स्क्वायर बना लें। ये आपकी अपनी चॉइस पे है। तो बस अब हम इसको फ्राई करेंगे। साइज़ भी आप अपने पसंद का छोटा या बड़ा बना सकते हैं, ठीक है। ये मैंने छोटा बनाया, अब मैं थोड़ा सा बड़ा भी बना लूँगी। डिफरेंट शेप्स आप रेडी कर सकते हैं। देखिए हमने सारी शेप्स रेडी कर ली हैं और मैंने राउंड शेप रखी है। आप कोई भी शेप अपनी पसंद की रख सकते हैं। अब बस इसको टाइम आया फ्राई करने का। और ये देखें बहुत ही जल्दी से झटपट ये मज़ेदार सी सूजी की स्वीट्स रेडी हो जाएगी। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। और हमने ऑयल गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। हम चेक कर लेते हैं एक डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि इसकी क्या कंडीशन है। बस इतना ही हमें चाहिए और मीडियम फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम ये सारे डाल देते हैं एक एक करके। और दो मिनट तक आपने एक साइड पे एक साइड को फ्राई होने देना है, ठीक है। और फर्स्ट बैच में जितने आते हैं आप उतने डाल के तो इसको फ्राई कर लें। और उतनी देर तक हम फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन कलर ना आ जाए, ठीक है। व्यूअर्स, ये कलर आना शुरू हो गया। अब हम इसको रोटेट कर देते हैं, साइड चेंज कर देते हैं। ये देखें कितनी प्यारी सी माशाल्लाह से फूली भी हैं। बस अब दूसरी साइड पे भी हमें दो मिनट के लिए फ्राई करना है और ये रेडी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें अभी सारी मैंने साइड चेंज कर दिए। दो मिनट के लिए हम दूसरी साइड को भी फ्राई कर लेते हैं और इसी तरह का लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं जी। व्यूअर्स ये देखें मज़ेदार सा कलर आ गया, इसका गोल्डन सा कलर आ गया। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको गरम गरम ही हमने शुगर सिरप में डाल देना है, ठीक है। ये शुगर सिरप रेडी है, इसके अंदर ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दो से तीन सेकंड के लिए हमने इसको इसके अंदर डिप रखना है, ठीक है। ये इसको गरम गरम ही डाल देंगे और अभी हम उतनी देर तक हम दूसरा बैच रेडी कर लेते हैं। तो व्यूअर्स हमारा दूसरा बैच भी रेडी है। ये देखें माशाल्लाह से कमाल का रेडी हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही जल्दी हमने ये रेडी कर लिया है। अब ये देखें अब हम इसको भी निकाल लेते हैं, इसको भी शुगर सिरप में डाल देते हैं। अब ये हमारा काम हो गया। ओके पहले रखे थे वो हम निकाल लेते हैं क्योंकि इनको डिप हुए दो से तीन मिनट हो चुके हैं। इस प्लेट में हम निकाल रहे हैं। और जो दूसरा बैच रेडी किया है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए अब इसको भी दो मिनट के लिए हम डिप करके रख देते हैं। ये व्यूज़ मज़ेदार से रेडी हो चुके हैं हमारे सूजी के स्वीट्स और बहुत ही कमाल के बने हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। मैं आपको अंदर से भी इसका दिखाती हूँ, जो इसकी लुक है और टेस्ट बहुत ही कमाल का है। थोड़ी से हम ऊपर वो जो सारा शुगर सिरप है वो स्प्रेड कर दिए, थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेते हैं। ये मैं पिस्ता लगा रही हूँ, आप कुछ भी लगा के उसको सजा लें अपनी स्वीट्स को मज़ेदार से। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टफुल रेडी हुई है। और थोड़े से हम ऐसे स्प्रेड कर देते हैं ऊपर। चलिए डेकोरेशन भी इसकी हो गई। अब देखते हैं कि इसकी अंदर की क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें सॉफ्ट और कमाल के। और ये किसी हलवाई के स्वीट से कम नहीं लग रहे, बहुत ही टेस्टफुल बने हैं। और आप बनाएंगे तो ये बहुत जल्दी भी बन जाएंगे और बहुत टेस्टफुल भी बनेंगे, इसलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह निगेबान।